उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत के बयान पर मौजूदा वक्त के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पलटवार सामने आया है। कहते हैं, हमें छोड़कर अपनी पार्टी की अस्थिरता पर ध्यान दे हरीश रावत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत सबने देखी। विपक्ष के नेताओं का यही काम है कि भ्रम की स्थिति पैदा करें। हरीश रावत के ऊपर त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कटाक्ष, दरअसल हरीश रावत ने बीजेपी में अस्थिरता की बात कही थी और जिसके बाद में यह हंगामा शुरू हुआ था। कल हमने आपको यह खबर दिखाई थी जब हरीश रावत ने एक ट्वीट के जरिए उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कटाक्ष और प्रहार करते हुए अस्थिरता की बात कही थी। और उसके बाद में हरीश रावत के उस ट्वीट पर अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह पलटवार सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को लेकर के चिंता करे, अपनी पार्टी की अस्थिरता को लेकर के चिंता करे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत किस कदर खराब रही है, जहां पर खाता तक नहीं खुल सका। चार चुनावों में कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुल पाया है। 0-0 की स्थिति कांग्रेस की है, अस्थिरता की स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, और ऐसे में वो मौजूदा सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि हमें छोड़ करके अपनी पार्टी की अस्थिरता पर ध्यान दे हरीश रावत। तो दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस वक्त जमीनी स्तर पर हलचल देखने को मिल रही है। मगर इसी बीच में हरीश रावत ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद में आज पलटवार उस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत पर करते हुए कहा कि साहब, अपनी पार्टी का ध्यान दीजिए, दूसरों के बारे में, दूसरों के खेमे में क्या हो रहा है उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए।